हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक और अपसेट हो चुका है, शायद आपको पता नहीं है। एंड इस वीडियो के दौरान मैं चाहता हूं आप इस बात को जानो। उगांडा ने अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी फुल मेंबर की नेशन को हरा दिया है। इतने सालों के बाद जाकर फाइनली उगांडा को किसी फुल मेंबर की कंट्री के साथ खेलने का मौका मिला इस 2023 अफ्रीका क्वालिफायर्स में। एंड उन्होंने इस पोजीशन को नॉट ओनली यूज किया, उन्होंने इस पोजीशन को कैप्चर किया एंड अपनी फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट ए फुल मेंबर टीम उन्होंने वो हासिल किया है। एंड मैं दिल से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेटिंग फ्यूचर के लिए। मैं बोलता हूँ ना गाइस, T20 इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। अगर आपको अब भी लगता है ODI फ्यूचर है क्रिकेट का, दिस इज नॉट, T20 फ्यूचर है क्रिकेट का। एंड एवरी टाइम जब मैं सोचता हूँ कि क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता, तब टाइम मुझे T20 में स्पेशली मुझे वो अपसेट देखने को मिलता है। एंड जिसको देख कर मैं अंदर से फील होता हूँ, यस दिस इज द मोमेंट वी लिव। एंड मैं बहुत खुश हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल उगांडा के लिए। अगर आप उगांडा क्रिकेट के बारे में डीपली जानना चाहते हो, मेरे चैनल में वीडियो है, जाके देखो। उगांडा क्रिकेट की मुझे बहुत ही अच्छी बात लगा है कि उन्होंने एक टीम बनकर खेला है। इस मैच की अगर बात करें, मैच के बाद हम बात करते हैं कुछ, हम स्टैट्स वगैरह जान लेते हैं कुछ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अभी जो अफ्रीका क्वालिफायर्स है बहुत ही खतरनाक मोड पर आ चुका है, क्योंकि एक फुल मेंबर टीम जिम्बाब्वे अभी पॉइंट्स टेबल में फोर्थ पोजीशन पर है। एंड मैं इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि जिम्बाब्वे, मुझे लगा था जिम्बाब्वे नाम भी इजिली क्वालिफाई कर लेंगे, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा। एज कम्पेयर टू एशिया की बात करोगे तो एशिया से ज्यादा मुझे लग रहा था कि इधर क्वालिफाई, इधर कॉम्पिटिशन होगा। बट अभी जो नजर आ रहा है, जब जो मुझे एशिया को भूल जाओ, अफ्रीका में हो रहा है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन। अभी ना गाइस, चार टीम लड़ने वाले हैं दो स्लॉट के लिए। देखो, नामीबिया मुझे लगता है 100% क्वालिफाई कर लेंगे, बिकॉज वो लोग होस्ट भी है एंड अपनी तीनों मैच जीत चुके हैं। फर्स्ट मैच उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया था, बहुत ही शानदार वे से हराया था। एंड जो मुझे लगा है कि गाइस, जितने टाइम ना मैंने नोटिस किया, नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच हुआ था, जितना टाइम जिम्बाब्वे ने फर्स्ट बैटिंग किया, इतना टाइम नामीबिया ने बहुत ही स्ट्रांगली उनको हराया है। एंड नामीबिया वो विन डिजर्व करता था। एंड इसके साथ साथ नामीबिया उगांडा को भी हरा चुका है, रवांडा को भी हरा चुका है। एंड अभी ग्रुप में बसता है केनिया, टांजानिया एंड नाइजीरिया। नाइजीरिया एंड केनिया के साथ मुझे लगता है इजीली जीत जाएंगे। देन टांजानिया आता है, टांजानिया थोड़ा दे सकते हैं कॉम्पिटिशन, बट वही आता है कि मुझे लगता है ये टीम हर एक मैच जीतेंगे एंड इजिली क्वालिफाई कर लेंगे 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। एंड अभी बसता है सेकेंड पोजिशन, एंड ये पोजिशन के लिए तीन टीम तो डेफिनेटली लड़ेंगे। फर्स्ट देखो, जिम्बाब्वे केनिया था, बट अभी उगांडा भी आ चुके हैं इस लिस्ट में। उगांडा ने अपनी जो तीनों मैचेस में से दो मैच जीता है एंड एक मैच ही ओनली हारा है। एंड जो मैच वो लोग हारे थे ना, वो मैच उगांडा ने हारा था नामीबिया के साथ। तो देखो, जिम्बाब्वे को उन्होंने 5 विकेट से हराया, टांजानिया के साथ मैचेस जीता। एंड बात करें नाइजीरिया के साथ, तो नाइजीरिया के साथ जितना मैंने हेड टू हेड नजर देखा ना स्टैट्स में, तो इसमें उगांडा एक डोमिनेंट टीम है। केनिया के साथ, राउंडे के साथ भी मैंने देखा है हेड टू हेड स्टैट। तो यस, अभी की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि उगांडा सेकेंड टीम होंगे जो क्वालिफाई करेंगे। एंड ऑल्सो एक मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, केनिया वर्सेस उगांडा। ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें केनिया की, गाइस केनिया की भी बहुत ही अच्छे चांस बन चुके हैं। केनिया भी तीन मैचेस में से तीनों मैचेस जैसे जीत चुके हैं। उन्होंने रवांडा, नाइजीरिया, टांजानिया तीनों टीम के साथ मैचेस जीता है एंड ओनली तीन ही टीम बचता है जिसमें से नामीबिया, उगांडा एंड जिम्बाब्वे है। अगर हम मान भी लेते हैं कि जिम्बाब्वे नामीबिया के साथ केनिया हार जाए मैच, बट वो उगांडा वाली मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यस, ये क्वालिफायर्स बहुत ज्यादा एक अच्छे मोड़ पर आ चुके हैं, आप इसको मिस तो मत करना। बट मैं एज ए क्रिकेट फैन देखो खुश भी हूँ उगांडा के लिए, बट ऑल्सो दुख लगता है जिम्बाब्वे के लिए। देखो, जितना भी टाइम किसी छोटी टीम ने फुल मेंबर की नेशन को हराया, इतना ही टाइम मैंने सेलिब्रेट किया है। बट अभी ना गाइस, करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे जिम्बाब्वे के लिए ज्यादा बुरा लगता है एज कम्पेयर टू द सक्सेस, बिकॉज जिम्बाब्वे क्रिकेट ना गाइस, रिसेंटली उनका एक रिवाइवल मोड स्टार्ट हुआ था। उधर एक रिटर्न लेग शुरू हुआ था, उधर उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स में क्वालिफाई भी करने वाला था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। तो ये एक रिवाइविंग स्टेट्स था उनके पास, बट इससे शायद और भी खराब हो सकता है सिनेरियो। एंड मैं दिल से अभी दुखो जिम्बाब्वे के लिए, बहुत ही एक अच्छी टीम है जिम्बाब्वे। अभी जिम्बाब्वे के पास चांसेस क्या है? देखो, अभी जिम्बाब्वे के पास तो जो चांसेस है बहुत ही खराब है।
अभी उनको एक उम्मीद लगा के बैठना होगा कि किसी भी मैच, किसी भी छोटे टीम जैसे तांजिया, रवांडा, नाइजीरिया, वो उगांडा को हरा दे, केनिया को हरा दे। अगर ऐसा ना हो तो एटलीस्ट किसी भी बारिश से मैच रद्द हो जाए, वो उम्मीद लगा कर बैठ सकते हैं। अगर हम देखें तीनों मैचेस बचा हुआ है, अगर वो तीनों मैचेस जीते तो जिम्बाब्वे के पास होंगे 8 पॉइंट, बट उगांडा, नाइजीरिया, केनिया, रवांडा के साथ अगर तीनों मैच भी जीत जाए ना, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो एटलीस्ट नाइजीरिया, केनिया, रवांडा, इन तीनों मैचेस में से एक मैच फर्स्ट उगांडा को हारना होगा, देन आता है केनिया, क्योंकि अभी एक थ्रेट नहीं है वो जिम्बाब्वे के लिए, दो थ्रेट है। केनिया को भी सेम दो मैचेस हारना होगा, मतलब नामीबिया तो हराएगा, जिम्बाब्वे को भी हराना होगा, देन जाके नेट रन रेट पर बात आएंगे कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगे। यस गाइस, आप इसको मिस मत करना। देखो मैं चाहता हूँ जिम्बाब्वे नामीबिया क्वालिफाई करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बट उगांडा भी करेगा तो मैं क्रिकेट के लिए बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उगांडा भी करे, क्योंकि एक न्यू टीम तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, I mean, जो किसी भी सीनियर टीम में हमें अभी तक नहीं देखने को मिला। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कौन सी टीम आपको लगता है अभी भी चांस है क्वालिफाई करने के लिए? नीचे देखो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके कमेंट करो, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।